तो आज TCS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग सिलॉगिज की बात कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जहां जिनको रीजनिंग में सिलॉगिज्म सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी UGC नेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो हम लोगों को जल्दी यानी कि यहां पे सिलॉगिज्म का रिवीजन करना है और इसे कैसे फास्ट करना है, कैसे आसान तरीके से एक्यूरेसी के साथ इसको अटेम्प्ट करना है, आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे। अपने क्वेश्चंस के माध्यम से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इजिली सॉल्व करते हैं, विद इन टाइम सॉल्व करते हैं, इसको भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलॉगिज्म क्वेश्चंस। यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। सिलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको वो भी यहाँ पर बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो केस सबसे पहले देखना होता है। पहला केस हमारा होता है ऑल, सेकेंड केस होता है सम, थर्ड केस वैसे नो का भी होता है, लेकिन अभी हमें ऑल और सम का केस देखना है। और हम यहाँ पे किसी डिफरेंट फॉर्मूले या किसी डिफरेंट तरीके से नहीं, सिंपल से मेथड से बताऊंगा सर्किल के माध्यम से, ठीक है। ऑल के लिए सर्किल क्या होगा, अगर बोला जा रहा है ऑल ARB, यानी ऑल ARB अगर कहा जा रहा है तो ए वाला सर्किल जो रहेगा उसके ऊपर बी वाला सर्किल बनेगा, बस ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर कहा जाएगा ऑल BRA तो अब बी वाला सर्किल अंदर होगा और ए वाला सर्किल बाहर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाएगा सम के केस की जब हम बात करेंगे, सम में कहा जाएगा ऑल ए सॉरी सम ARB, तो आपको क्या करना है, ए का यानी अगर पूरा पार्ट ये है, ए का पूरा सर्किल ये है, सम ARB बोला गया तो बी का सर्किल ये हो जाएगा, दोनों आपस में सम यानी कि कुछ पार्ट क्या होगा, दोनों का एक दूसरे से कनेक्ट होगा, अदरवाइज बाकी का पार्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा। नो ARB कहा जा रहा है तो आप क्या कहोगे, नो ARB। अच्छा ध्यान रखिए, सम और नो वाले केस में चेंजेस नहीं होता है सर्किल का। अगर सम ARB बोल रहा है तब भी आप यही सर्किल बनाओगे, और अगर सम BRA बोल रहा है तब भी ये सही होगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर बोला जा रहा है नो ARB तब भी यही होगा और नो BRA तब भी यही होगा, क्लियर है। लेकिन ऑल ARB में ये बनेगा और ऑल BRA में ये बनेगा, यही कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट यानी कि जब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, तो वहां पर भी होता है कि अगर ऑल ARB कहा गया तो ऑल BRA दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ऑल BRA क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे ही कहा जा रहा है ऑल ARB अगर कहा जा रहा है आपसे और कंक्लूजन कहा जा रहा है, तो आप कंक्लूजन में क्या करोगे, तो ऑल BRA रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सम ARB कहा जा रहा है तो सम BRA क्या होगा, सही होगा, क्लियर है। नो ARB कहा जा रहा है तो नो BRA ये भी कंक्लूजन में क्या होगा, सही होगा, क्लियर है मेरी बात। मतलब जैसे स्टेटमेंट दे रखे, जैसे स्टेटमेंट के सर्किल्स को हम बनाते हैं, उसी इमेज के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंक्लूजन ये सही है या फिर गलत है, ओके। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिलॉगिज्म मतलब न्याय वाक्य, यानी जो कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, स्टेटमेंट यानी कथन जो भी बोले जा रहे हैं, ये हमें कथन क्या करना है, 100% सही मानकर चलना है कि कथन में जो कहा गया केवल वही बात सही है। एक्चुअल में हो सकता है उनका रिलेशन कुछ डिफरेंट हो, लेकिन हमें रिलेशन वो मानना है जो कथन में स्टेटमेंट में आपको रिलेशन दिया गया है। और इन दोनों बात को यानी कि कैसे हमें इमेज बनाना है वो, और सेकेंड थिंग इमेज में सॉरी क्वेश्चंस में दिए गए स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इन्हीं दोनों बात को ध्यान रखना है, तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे और बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। देखते हैं कैसे, ठीक है। मैंने जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं वो वही क्वेश्चंस दिए हैं जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें मैंने अभी बताई, साथ में क्वेश्चन में उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो पहला हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है सम ट्रेन आर कार। अब देखना है यहाँ पे हमें क्या करना है, तो भाई सम ट्रेन आर कार, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिए गए उसको फॉलो करते हुए क्या इमेज बनेगी, अलग अलग सर्किल यानी कि ट्रेन की बात हो रही है, कार की बात हो रही है, फिर बाइक की बात हो रही है, फिर या नेट की बात हो रही है, फिर नेट का ड्रेस से दिया जा रहा रिलेशन। मतलब हमें जो ये स्टेटमेंट चार दिए गए, चार स्टेटमेंट में चार रिलेशन होंगे यानी पाँच अलग अलग नेम्स होंगे, तो इनको हमें क्या करना है, एक इमेज में एक साथ यहाँ पे इसको बनाना है। और सही इमेज या सही आप अगर बोला जा रहा है सर्किल्स को रिलेट कर पा रहे हो इमेज के फॉर्मेट में,
तो आंसर्स कभी गलत नहीं होंगे, कभी आंसर्स में समय नहीं लगेगा। देखते हैं कैसे मेज बनाना है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए जल्दी से जुड़ जाइएगा आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस के साथ में, और जल्दी से आप भी ट्राई करिएगा। तो बोला जा रहा है सम ट्रेन आर कार, तो सम ट्रेन भाई हमने ट्रेन का ये सर्किल बना लिया, क्लियर है। तो क्या बोला जा रहा है, सम ट्रेन आर कार, कार के लिए ये बना दिया, क्लियर है। सम का है तो अलग अलग हो जाएगा, ओके। फिर हमसे क्या बोला जा रहा है, ऑल कार आर बाइक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कार का जो है जितना भी ऑल कार्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बाइक हो जाएंगी। फिर हमसे क्या बोला जा रहा है, ऑल बाइक आर नेट, अब ऑल बाइक आर नेट हो जाएगा, यानी कि बाइक का पूरा सर्किल नेट के अंदर आ जाएगा, नेट के सर्किल के अंदर होगा, क्लियर है। लेकिन आगे बोला जा रहा है सम नेट आर ड्रेसेस, अब जैसे ही उसने बोला सम नेट आर ड्रेसेस, अब यहाँ कई सारे सर्किल बन चुके हैं, तो यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूज़न होता है, कई बार लोग गलत इमेज बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सम नेट आर ड्रेसेस बोला है, तो यहाँ पर नेट का ड्रेसेस रिलेशन है सम का, अगर ऑल का होता तब तो नेट का पूरा पार्ट आपका यहाँ पर ड्रेस के अंदर चला जाता, जैसे कि यहाँ पर कार और बाइक के लिए हुआ भी था। लेकिन अभी सम नेट आर ड्रेसेस बनना है, तो ध्यान रखना है आपको सिर्फ ये इतना यहाँ पर टच करेगा, यानी सिर्फ नेट से ड्रेस का रिलेशन आप डिसाइड करोगे, बाइक और कार यानी दोनों सर्किल नेट के अंदर हैं, लेकिन ड्रेस का रिलेशन बाइक और कार से नहीं दिया गया, तो इसे इमेज में या सर्किल में भी रिलेट नहीं करोगे जब तक ये नहीं पॉसिबल नहीं कहा जा रहा है तब तक, ओके, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया आपको इमेज आपकी। अब हमें इसी के ब्याप पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में अब यहाँ पे इस जो कंक्लूजन दे रखे ना, इसको चेक करना है, कंक्लूजन में जो बात कही जा रही है वो इस इमेज को कितना सही बता रही है और कितना गलत बता रही है, ठीक है। जैसे पहला दे रखा है सम ड्रेस आर कार, यानी ड्रेस और कार के बीच सम का रिलेशन क्या, इमेज यानी जो आपने ये बनाई है ना, ये इमेज क्या बता रही है, देखते हैं। तो ड्रेस कहाँ है, ये है, कार कहाँ है, ये है, क्या कार का सर्किल और ड्रेस का सर्किल आपस में रिलेट है, तो बोलोगे दोनों दूर दूर है, तो आप क्या बोलोगे, ड्रेस जो है वो कार से रिलेट नहीं हो रही है इमेज या सर्किल या आपके जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रही है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि ये गलत है, वेरी गुड। नेक्स्ट ऐसा ही क्या बोल रहा है, सम नेट आर ट्रेन, अब देखना है नेट कहाँ है, तो नेट का सर्किल ये है, ट्रेन कहाँ है, तो ट्रेन का सर्किल ये है, नेट का सर्किल यानी ये पिंक वाला, ट्रेन का ब्लू वाला, क्या देखो दोनों रिलेट हो रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ सर रिलेट हो रहे हैं। तो रिलेट हो रहे हैं किससे रिलेट हो रहे हैं, तो देखोगे ये सम है और ये सम से रिलेट हो रहे हैं ना, तो आप क्या कहोगे ये सम से पूछा भी जा रहा है, तो अब इसे आप क्या कहोगे दैट इज राइट। ऐसे ही सम बाइक कार ट्रेन, देखो सेम फिर से ट्रेन और बाइक दोनों सर के रिलेट हो रहे हैं सम से, तो ये भी क्या हो गया सही हो गया, क्लियर। सम ड्रेस आर ट्रेन, अब सम ड्रेस आर ट्रेन, ट्रेन और ड्रेस का सर्किल क्या रिलेट हो रहा नहीं, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पर कि आपका ये वाला और ये वाला सही है, ये दोनों गलत है, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड आपका दोनों सही है, यानी यही दोनों फॉलो कर रहे हैं और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, मतलब जो फॉलो करते हैं स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होता है, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन से हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, जो लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम पेंसिल्स आर काइट, अब देखिए सम का रिलेशन उन्होंने दिया हमें, तो सम पेंसिल आर काइट, यानी कि पेंसिल ये हो गया और इसके बाद क्या कहा जा रहा है काइट, तो हमने यहाँ से काइट के लिए ये बोल दिया, क्लियर। फिर बोला जा रहा है सम काइट आर डोर, तो अब हमें क्या बोला जा रहा है, सम काइट आर डोर, तो हमने यहां से डोर बना दिया। फिर बोला जा रहा है ऑल डोर आर जंगल, अब ध्यान रखिए डोर जंगल का रिलेशन भले ही कोई ना हो, लेकिन यहां तो बोला जा रहा है ना, तो हमें इसी को सही मानना है और उसी के ब्याप पे इसको बनाना भी है। तो क्या बोला, सम सॉरी ऑल डोर आर जंगल, तो ऑल डोर आर जंगल, अब ध्यान रखिए ऑल जंगल आर माउंटेन, तो अब बोला जा रहा ऑल जंगल आर माउंटेन, तो हमें यहाँ पे देखना है ऑल जंगल आर माउंटेन, यानी ये पूरा माउंटेन हो जाएगा, क्लियर। तो अब एक हमारी इमेज यानी स्टेटमेंट चार थे, चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इमेज बना वो मैंने यहाँ पे बना लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होगा, तो
क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन में कौन से सही हैं कौन से गलत हैं हमें चेक करना है। सम माउंटेन और पेंसिल, सम माउंटेन, माउंटेन और पेंसिल कहाँ कहाँ हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, दूर दूर हैं सर्किल, रिलेट नहीं हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा एक बात, यहाँ पे कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जैसे अभी उन्होंने बोला माउंटेन और पेंसिल के लिए, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला इन दोनों के बीच सम का रिलेशन जब दिया तो आपने क्या कहा इनको, गलत कहा। लेकिन एक बात बताइएगा मुझे कि अगर यहाँ पे बोलता वो नो माउंटेन आर पेंसिल, नो माउंटेन आर पेंसिल, अगर वो आपसे ऐसा बोलता तो क्या इसे आप सही कहते, नो माउंटेन आर पेंसिल, अगर ये बोलता यानी कि माउंटेन और पेंसिल के बीच नो का रिलेशन देता तो क्या इसे आप सही बोलते, तो ध्यान रखिए ये भी गलत होता। ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ पे मैं आपको अलग से एक एक्सप्लेन बता रहा हूँ, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है और आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा भी। ध्यान रखिएगा पेंसिल और माउंटेन जो हैं इन दोनों के सर्कल आपस में रिलेट नहीं हो रहे, यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं, तो ना ही आप यहाँ ऑल का रिलेशन सही कहोगे, ना ही सम का रिलेशन सही कहोगे, ना ही नो का रिलेशन सही कहोगे। क्यों? क्योंकि माउंटेन और पेंसिल जो हैं वो कहीं भी नो से भी रिलेट नहीं है, नेगेटिव भी, यानी कि नो जब तक कहेगा नहीं स्टेटमेंट में तब तक आप इस दोनों को रिलेशन को नो भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। लाइक एज एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिएगा तीन फ्रेंड है, ए बी और सी, ए जो है वो बी का फ्रेंड है, बी जो है वो सी का फ्रेंड है। अब आपको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि ए जो है वो बी के साथ घूमता है और बी कभी कभी सी के साथ घूमता है क्योंकि वो फ्रेंड है, लेकिन क्या जरूरी है कि ए जो है वो सी को नहीं जानता होगा, हो सकता है कि जानता हो सकता है कि नहीं भी जानता हो, तो अब आप यहाँ पे डाउटेड हो। वैसे ही यहाँ पर है कि पेंसिल और माउंटेन, वैसे तो हमें दिख रहा है दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, यानी कि माउंटेन जो है वो जंगल एंड आपका जंगल, इसके बाद आपका काइट और साथ में ये डोर्स के साथ रिलेट है, लेकिन पेंसिल के साथ भी रिलेट हो सकता है या हो सकता है नहीं हो, तो आप दोनों केस में इसे गलत कहोगे। वेरी गुड, ये बात अगर क्लियर हो गई आपको तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन में जल्दी से आ जाते हैं। तो बोला गया सम माउंटेन आर पेंसिल, डेट इज रॉन्ग, सम जंगल आर पेंसिल, फिर देखिए सम जंगल आर पेंसिल, अब यही बात देखो उसने फिर से पूछी, माउंटेन से पेंसिल को रिलेट किया वो भी नहीं, जंगल से पेंसिल को रिलेट करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है सम माउंटेन आर डोर, सम माउंटेन आर डोर, अब देखो माउंटेन का कुछ पार्ट तो डोर है ना भाई, ऑल डोर आर माउंटेन है, तो सम माउंटेन आर डोर तो हो गई ना, मतलब सारे डोर्स अगर माउंटेन है तो माउंटेन का कुछ पार्ट तो डोर होगा ही ना, तो आप इसे क्या कहोगे, डेट इज राइट। ऐसे ही सम जंगल आर काइट, सम जंगल, जंगल का कुछ पार्ट काइट है ऑलरेडी दिख रहा है भाई, ये भी सही होगा, तो थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया, फॉलो कर गए, सही हो गए, और डेट इज योर आंसर, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, अब आपको क्लियर हो रहा है ये बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन अपनी जगह डिफरेंट होगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ होगा, साथ में जो कन्फ्यूजन है वो भी डिस्कस करता जा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में। तो क्या कह रहा है, ऑल पेपर आर सेल्स, क्या कह रहा है, ऑल पेपर आर सेल्स, जल्दी से सर्किल बनाना स्टार्ट करिए, सबसे पहला आपका काम होता है बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इमेज बनाइएगा। तो क्या कह रहा है, ऑल पेपर आर सेल, तो ऑल पेपर आर सेल हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है, सम सेल आर, सॉरी यहाँ पे ऑल पेपर आर सेल बोला गया है, तो यहाँ पे ऑल पेपर आर सेल। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, सम सेल आर बोर्ड, सम सेल आर बोर्ड, क्लियर है। फिर कहा जा रहा है सम बोर्ड आर लेंस, तो सम बोर्ड्स आर लेंस, तो ये लेंस हो जाएंगे। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, ऑल लेंस आर रोड, ऑल लेंस आर रोड, अब देखो यहां से बन गया ना हमारे, अब इस सर्किल्स के अकॉर्डिंग फिर से हमें देखना है कि हमारे आंसर्स क्या होंगे, तो हम अपने आंसर्स में जाते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है यहां पे, ऑल रोड आर बोर्ड, सॉरी सम रोड्स आर बोर्ड, यानी पहला कंक्लूजन जो है वो सही है या गलत देखते हैं, तो यहाँ पे पहले कंक्लूजन यानी फिर से इमेज की तरफ जाना है मुझे, इमेज जो बनाई है उसी के हिसाब से डिसाइड करना है कि हमारे कंक्लूजन में कौन से कंक्लूजन सही है कौन से गलत है, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है, सम रोड आर बोर्ड्स, सम रोड
आर बोर्ड्स, अब बोर्ड यहाँ है, रोड यहाँ है, देखो दोनों रिलेट हो रहे हैं ना, तो डेट इज राइट। सम लेंस आर सेल्स, अब देखो लेंस कहाँ है, ये है, सेल्स कहाँ है, ये है, तो लेंस और सेल्स आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो दोनों के सर्किल अलग अलग हैं, तो ना ही ये नो में सही होगा, ना ही ऑल में, ना ही सब में, यानी सभी जगह ये गलत है, क्योंकि इनके सर्किल आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। फिर बोला जा रहा है सम बोर्ड आर पेपर, तो सम बोर्ड आर पेपर, तो अब बोर्ड कहाँ है आपका, ये पेपर कहाँ है, ये, तो दोनों सर्किल रिलेट हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, रिलेट नहीं हो रहे पेंसिल और बोर्ड, सॉरी पेपर और बोर्ड, क्लियर है। फिर बोला जा रहा है सम रोड आर सेल्स, तो अब सेल कहाँ है, ये, और रोड कहाँ है, ये, दोनों के सर्किल रिलेट हो रहे हैं आपस में, तो आप बोलोगे नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये गलत होगा, तो गलत होगा, तो इसे भी गलत, यानी केवल कौन सा फॉलो किया, फर्स्ट वाला, तो ओनली फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ओनली फर्स्ट आपको कहीं दिख रहा है, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड से थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यानी ओनली फर्स्ट नहीं मिल रहा है, तो आप किसे टिक करोगे, नन ऑफ दीज को, वेरी गुड। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल पेन आर क्लॉक, ऑल पेन आर क्लॉक, तो हमें क्लॉक पे देखना है, ऑल पेन आर क्लॉक, क्लियर। फिर कह रहा है हमसे अगला कंडीशंस क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पर सम क्लॉक आर टाइम, सम क्लॉक आर टाइम, क्लियर है। फिर हमें अगली लाइन्स देख क्या बोल रहा है यहाँ पर, सम टाइम आर व्हील, सम टाइम आर व्हील, फिर क्या बोला है, सम व्हील आर बसेस, सम व्हील आर बसेस, तो यहाँ पर सम व्हील आर बसेस, क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन में आना है, क्या बोला है, सम बसेस आर टाइम, तो सम बसेस, बसेस कहाँ है हमारी, ये है, टाइम कहाँ है, ये है, क्या ये सही होगा, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि रिलेट नहीं हो रहा। फिर क्या बोल रहा है, सम व्हील्स आर क्लॉक, सम व्हील्स आर क्लॉक, व्हील कहाँ है, ये क्लॉक कहाँ है, ये रिलेट हो रहा है, नहीं। हाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, बस इतना ही फास्ट होता है ये, बस अगर एक बार क्लियर हो गया, एक बार इमेज बनाना समझ में आ गया, कंक्लूजन कैसे पढ़ना है ये समझ आ गया, तो इसे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। फिर से देखते हैं, सम व्हील्स आर पेन, तो व्हील कहाँ है, ये, पेन कहाँ है, ये, दोनों आपस में रिलेट हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से ये बात, सम बसेस आर क्लॉक, तो बसेस कहाँ है, ये है, क्लॉक कहाँ है, ये है, आपस में रिलेट है, नहीं, तो ये भी गलत। तो कोई फॉलो किया, नहीं फॉलो किया, तो क्या बोलोगे, नन फॉलो, वेरी गुड, समझ आई आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से अब आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कॉपी पेन उठा लो और सॉल्व करना जल्दी से स्टार्ट कर दो, कि क्वेश्चंस को देखते जाइए, आप हमसे पहले आंसर दे रहे हैं और क्या आपके आंसर सब सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऑल स्टोन आर आवर्स, तो अब क्या बोला जरा, ऑल स्टोन आर आवर, मैंने सेम कलर ले लिया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार हैं। क्या बोला है, नो आवर्स इज रिंग, तो नो आवर इज रिंग, अब देखो यहाँ नो का रिलेशन उन्होंने पहला रिलेशन दिया है नो का मुझे, ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन रखना, नो आवर्स, यानी आवर्स वाला जो सर्किल है इसे नो कहा गया, किसके साथ, रिंग के साथ में, तो ये रिंग हो गया, क्लियर है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपसे, इसके बाद बोला जा रहा है सम रिंग्स आर डोर्स, यानी सम रिंग्स आर डोर, क्लियर। फिर बोला जा रहा है ऑल डोर आर विंडोज, ऑल डोर आर विंडोज, तो ऑल डोर्स को विंडो कह दोगे, क्लियर। अब ध्यान रखना यहां पे कि जो नो वाला रिलेशन कहा गया वो अवर्स और रिंग के बीच कहा गया, तो रिंग का जो सर्किल में पार्ट आएगा वो पार्ट आपका अवर्स नहीं होगा, इसके बाद किसी और को रिलेट नहीं कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मैं उसको देखते हैं पहले, वहाँ से आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो पहला बोला है सम विंडो आर स्टोन, विंडो कहाँ है, ये, स्टोन कहाँ है, ये, दोनों आपस में रिलेट हैं, तो आपको दूसरा रिलेशन नहीं दिख रहा, तो इसे आप गलत कर ही देना है, ठीक है ना। सम विंडो आर रिंग, विंडो कहाँ है, ये, रिंग कहाँ है, ये, दोनों रिलेट दिख रहे हैं, तो ये क्या करना है, सही कर देना है, ठीक है। नो विंडो इज स्टोन, नो विंडो इज स्टोन, अब स्टोन कहाँ है, ये, विंडो कहाँ है, ये। अब देखो यहाँ पर अब आपको बेटर तरीके से समझना है मेरी बात, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टोन,
स्टोन जो है वो किसके अंदर है, अवर्स के अंदर है, यानी अवर स्टोन का ऑल पार्ट जो है वो अवर्स है, और अवर्स जो है वो कोई भी अवर्स क्या है, तो वो रिंग नहीं हो सकता, रिंग नहीं हो सकता, यानी इस रेड वाले सर्कल से समझो कि रेड वाले सर्कल में अवर्स के अंदर जितना भी पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है ना, ये वो चाहे स्टोन का हो चाहे अवर्स का हो, ये कोई भी पार्ट यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी ये इनको रिलेट नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर जितना पार्ट है वो पार्ट इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर जो भी पार्ट है, इस पार्ट से अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो आप नो की बात कहोगे, तो ये नो वाली बात क्या होगी वहाँ पर सही होगी। नो वाले केस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब तक हम एग्जैक्टली बात नहीं समझ पाते हैं। एग्जैक्टली जो पॉइंट सब बताना चाह रहा हूँ बस वो यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो भी सर्किल के अंदर पार्ट है, ये सर्किल के अंदर पार्ट है, ये नो से रिलेट अगर करोगे तो ये बात सही होगी, नो से रिलेट करोगे तो ये पार्ट सही होगा। यानी बोला जाए नो रिंग आर अवर्स सही होगा, नो रिंग आर स्टोन सही होगा, नो स्टोन आर रिंग सही होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसे डोर्स की बात करेगा या विंडो की बात करेगा, तो भाई डोर्स का सारा पार्ट क्या रिंग है, क्या डोर्स का सारा पार्ट रिंग है या विंडो का सारा पार्ट रिंग है, तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं है ना। तो जो पार्ट डोर्स का जो पार्ट आपका रिंग नहीं है, उस पार्ट को, यानी ये वाला जो पार्ट रिंग नहीं है, ठीक है ना, या ये पार्ट रिंग नहीं है, तो इसे आप कैसे कह सकते हो कि अवर्स या स्टोन में नो के केस में सही होगा। हो सकता है कि नो हो सकता है कि दोनों आपस में रिलेट हो। भाई जैसे बता दे ना फ्रेंड वाला एग्जांपल कि ए और बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो हो सकता है ए का फ्रेंड सी हो सकता है ए का फ्रेंड सी नहीं हो। तो भाई आप दोनों में डाउटेड हो, जहां डाउटेड हो वो आपके लिए फॉलो नहीं करता है, यानी कि नहीं वाले को ही आप सही मानोगे। मतलब आप डायरेक्टली नहीं को भी सही नहीं मान सकते, डायरेक्टली हाँ को भी सही नहीं मान सकते, आप वहां डाउटेड हो, और जहां पे डाउटेड हो, जहां पे भी आपको डाउट हो रहा है कि रिलेशन सही हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप वहां पे फॉलो नहीं करता है, इसी बात को सही मानोगे। क्लियर है? तो अब यहां पे कह सकते हो कि अब इसी बात को अगर क्लियर हो गया है, तो अब यहां पे देखते हैं विंडो का और स्टोन का रिलेशन नो से कहा गया, तो भाई विंडो का स्टोन से कोई रिलेशन दिख रहा है, तो बोलोगे अगर सम या ऑल में होता तब तो बिल्कुल गलत होता है कि फॉलो नहीं कर रहा है। नो के केस में भी आप इसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं इसे गलत मानोगे, और वो इसलिए गलत मानोगे क्योंकि विंडो का कुछ पार्ट जो है वो रिंग है, और जितना पार्ट रिंग है वो स्टोन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी अगर यहाँ पे बोलता सम विंडो आर नॉट स्टोन, तो आप इसे क्या बोलते, डेट इज राइट, विंडो का कुछ पार्ट जो है वो स्टोन नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही होता। लेकिन नो विंडो आर स्टोन, तो विंडो का जो पार्ट रिंग नहीं है वो स्टोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस बात को आप ना तो सही कह सकते हो ना गलत कह सकते हो, इसलिए इसे फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम रिंग आर स्टोन, सम रिंग आर स्टोन, तो सम रिंग आर स्टोन, अब देखो रिंग का कोई पार्ट स्टोन हो सकता है क्या, ये तो डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट में बोला कि भाई रिंग का कोई पार्ट अवर्स नहीं होगा, अवर्स के अंदर स्टोन है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नो रिंग आर स्टोन दैट इज राइट, बट सम रिंग आर स्टोन ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो कहीं से भी फॉलो नहीं करेगा, इसलिए बिल्कुल गलत। यानी ओनली सेकेंड वाला आपका सही हुआ, और ओनली सेकेंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। वेरी गुड, अब आप लोग क्लियर कर पा रहे हो, नो का केस भी आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस के एग्जांपल के साथ आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं, जो आपको सीखोगे और जहाँ पे आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करोगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से आ जाते हैं स्टेटमेंट में। बस फर्स्टली हम लोग जल्दी से पहले सर्कल बनाएंगे, हम लोगों ने सर्कल बनाना सीख लिया है। तो कैसे बनना है, सम पेन आर विंडो, सम पेन आर विंडो, ठीक है, सम पेन आर विंडो हो गया। फिर क्या कह रहा है आपसे, ऑल विंडो आर रोड्स, ऑल विंडो आर रोड। फिर क्या कह रहा है आपसे, सम रोड आर कप, सम रोड आर कप, यहां पर गलती हो जाएगी, सम रोड आर कप। क्लियर? फिर क्या कह रहा है आपसे, ऑल कप आर चेन, ऑल कप आर चेन्स, ध्यान रखिए यहां पे ये कप है और ये चेन।
क्योंकि दोनों सी से हो रहे हैं, हम यहाँ पे वर्ड एक इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें केवल और केवल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। सम चेन आर पेन, सम चेन, चेन यहाँ पर है, आर पेन रिलेट है, नहीं रिलेशन नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता। सम कप आर पेन, तो कप का रिलेशन भी पेन से नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं करता। सम चैन आर विंडो, सम चैन, चैन का सर्किल ये है, विंडो का सर्किल ये है, देखो आपस में रिलेट नहीं है तो ये भी गलत। सम रोड आर पेन, अब रोड देखो ये है, पेन ये है, ये रिलेट कर रहा, इसे आप सही कहोगे, यानी ओनली फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट सबसे जल्दी से यहाँ से देखते हैं स्टेटमेंट के सर्किल। तो सम बेड आर मिरर, सम बेड आर मिरर, फिर क्या बोला, सम मिरर आर डॉल्स, सम मिरर आर डॉल्स, सम डॉल्स आर क्लॉक, सम डॉल्स आर क्लॉक्स, सम क्लॉक्स आर पिन्स, सम क्लॉक्स आर पिन, क्लियर है। देखो अब यहाँ ऑल सारे सम के रिलेशन है, सारे सम के सर्किल बन गए। अब यहाँ से क्या बोला, सम पिन आर डॉल, सम पिन आर पिन कहाँ है, डॉल कहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज रॉन्ग। सम क्लॉक आर बेड, क्लॉक कहाँ है, बेड कहाँ है, गलत। सम क्लॉक आर मिरर, सम क्लॉक आर मिरर, कोई रिलेशन नहीं। सम डॉल्स आर बेड, सम डॉल्स आर बेड, गलत, यानी नन फॉलो, वेरी गुड। आप लोग समझदार हो गए हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे हल करना है, वेरी गुड। अब आप लोगों के रिप्लाई जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन आप भी सॉल्व करते जाइएगा ऐसे ही फास्ट वे में, ठीक है ना, जल्दी से सर्किल बनाइएगा। ऑल केक आर, केक्स आर होल्डर्स, ऑल केक्स आर होल्डर, ओके। आप क्या कह रहे हैं, ऑल केक्स आर होल्डर, फिर क्या कह रहे हैं, नो होल्डर आर लैंप, नो होल्डर आर लैंप, देखो फिर से एक नए नो का केस आ गया ना, और नो वाले केस में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत अच्छे से देखना है कि वो कहना क्या चाहता है, क्लियर। ये नो का केस लैंप और होल्डर के बीच में। फिर बोल रहा है सम लैंप्स आर डेस्क, सम लैंप्स आर डेस्क, क्लियर। फिर देखना है हमें क्या कह रहा है, ऑल डेस्क आर पेन, ऑल डेस्क आर पेन, वेरी गुड, ऑल डेस्क आर पेन। अब यहां से क्या कह रहे हैं, सम पेन आर होल्डर, पेन कहाँ है, ये पर्पल वाला, होल्डर कहाँ है, ये वाला, तो यहाँ कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा तो इसे तो बिल्कुल नहीं कह सकते। फिर बोला सम डेस्क आर लैंप, डेस्क और लैंप पर रिलेशन दिख रहा है भाई, इसे आप मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपसे बोला गया सम लैंप्स आर डेस्क, तो सम डेस्क आर लैंप तो अपने आप हो जाएगा। नो पेन इज होल्डर, पेन कहाँ है, होल्डर कहाँ है, तो भाई नो पेन इज होल्डर, भाई पेन का कुछ पार्ट यानी जो इस लैंप में आ रहा है ये तो होल्डर नहीं होगा, लेकिन सारा पेन होल्डर नहीं होगा, ये बात ऑटोमेटिक क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप यानी लैंप का ये वाला पार्ट जो लैंप, सॉरी पेन का वो पार्ट जो लैंप में है ये तो होल्डर नहीं होगा, बट बाकी को होल्डर नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते, क्लियर। फिर सम पेन आर केक, सम पेन आर केक्स, अब देखो यहाँ केक कहाँ है, ये है आपका, पेन्स कहाँ है, ये, क्या रिलेट होते दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे, और नहीं दिख रहे तो आप क्या बोलोगे, डेट्स नॉट फॉलो, यानी कौन सा फॉलो किया। अब देखिए यहाँ पे केवल सेकंड वाला फॉलो कर रहा है ना, तो ओनली सेकंड फॉलो, यानी डेट्स योर आंसर, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है, और इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद 100% से हो रहा है कि एग्जाम में आने वाला कोई भी सिलॉगिज्म के क्वेश्चन से अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए 100% से हो गए, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, वेरी गुड। ऑल गैस आर केवल, ऑल ग्लास आर राउंड, ऑल ग्लास आर राउंड, फिर क्या बोल रहे हैं, सम राउंड आर प्लांट्स, सम राउंड आर प्लांट्स, फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल प्लेन्स आर डक, ऑल प्लेन्स आर डक, ऑल प्लेन्स आर डक बोला गया, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, सम डक आर लैंडर्स, वेरी गुड। अब क्या कह रहे हैं यहां पे, सम लैंडर्स
आर प्लेन्स, क्या रिलेट है? बोलोगे नहीं है तो डेट्स योर रॉन्ग फॉर्म। सम डक आर राउंड्स, डक कहाँ है ये, राउंड कहाँ है ये, दोनों फॉलो कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं भाई, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। सम राउंड आर ग्लासेस, सम राउंड आर ग्लासेस, अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ना, ऑल ए आर बी, तो सम बी आर ए, डेट इज राइट, यानी राउंड का कुछ पार्ट तो ग्लास है ना भाई, सारा राउंड ग्लास नहीं है, सारे ग्लास राउंड हैं, लेकिन राउंड का कुछ पार्ट तो ग्लास है ना, तो इसलिए डेट इज राइट। सम डक आर ग्लासेस, सम डक आर ग्लासेस, तो सम डक आर ग्लासेस, देखो आपस में रिलेट हैं ग्लासेस और डक, यानी ये आपका डक का है और ये ग्लासेस का है, रिलेट है नहीं है, डेट्स नॉट फॉलो, यानी ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलो, और ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, वेरी गुड। हाँ जितने लोग भी सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स टिक कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लो कि आप लोगों के क्वेश्चंस यानी एग्जाम में भी गलत नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सम चैन आर टेस्ट। हाँ सारे क्वेश्चंस इसके ऐसे ही होते हैं और बस केवल सम, नो और ऑल, सबसे ज़्यादा ऑल और सम का रिलेशन पूछा जाता है, नो के रिलेशंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बस वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। सम चैन आर, सम चेयर्स आर टेस्ट, सम चेयर आर टेस्ट, फिर क्या बोल रहे हैं, सम टेस्ट आर जग, फिर बोल रहा ऑल जग आर ग्लासेस, ऑल जग आर ग्लासेस, ठीक है, ऑल ग्लासेस आर प्लॉट, ऑल ग्लासेस आर पॉट्स, ऑल ग्लासेस आर पॉट्स, ठीक। अब यहां से ध्यान रखना है, ये आपका टेस्ट का था, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, सम पॉट आर टेस्ट, भाई देखना है पॉट कहाँ है, ये है, ये टेस्ट से रिलेट है, तो भाई जरूर रिलेट है, टेस्ट का सर्कल के अंदर ही तो जरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम पॉट्स आर चेयर, अब भाई पॉट्स कहाँ है, चेयर कहाँ है, ये दोनों सर्किल क्या रिलेट हैं, तो भाई नहीं रिलेट हैं, और दैट्स इज नॉट फॉलो। सम ग्लासेस आर चेयर, सम ग्लासेस आर चेयर, भाई ग्लासेस चेयर तो रिलेट कहीं नहीं है, तो ये डेट इज नॉट फॉलो। सम ग्लासेस आर टेस्ट, भाई टेस्ट से ग्लासेस रिलेट हैं, इसलिए डेट इज राइट, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर फॉलो, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, नए नए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए कन्फ्यूजन जो भी आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे रिमूव कर पाओगे इन क्वेश्चंस के साथ में आप लोग। तो क्या कह रहा है, ऑल रॉक आर पोल्स, ऑल रॉक आर पोल्स, फिर क्या बोल रहे हैं आपसे, सम पोल्स आर ट्रैम्स, सम पोल्स आर ट्रैम्स, यहाँ पर एक गलती हो गया, ऑल सबसे पहले स्टेटमेंट बोला गया, ऑल का रिलेशन दिया गया और हमने सम का रिलेशन बनाया हुआ है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल रॉक्स आर पोल्स। सर्कल बनाते समय बहुत ध्यान रखना है कि गलतियाँ ना हो पाए जो मेरे से अभी हुई है। सम पोल्स आर ट्रैम्स, ठीक है, फिर सम ट्रैम्स आर रोप्स, सम ट्रैम्स आर रोप्स, फिर क्या कह रहे हैं, ऑल रोप्स आर टेंट, ऑल रोप्स आर टेंट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक ही नेम जैसे हो रहे हैं तो इन दोनों के अलग अलग नाम हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ट्रैम्स है और वो टेंट है, क्लियर। तो सम टेंट आर ट्रैम्स, अब टेंट ये है, ट्रैम्स ये है, दोनों आपस में रिलेट हैं, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। सम रोप्स आर रॉक्स, रोप्स ये है, अब देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, रॉक्स यहाँ पर आया है ये और ये रोप होगा, क्लियर है। तो देखिए सेम नेम, यानी कि हम यहाँ पे केवल नेम का हिंट लिख रहे हैं, अगर नेम अब में आपका फर्स्ट लेटर सेम मिल रहा है तो उसके पूरा नाम या जो भी हिंट आपको लगता है वो हिंट के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। सम टेंट आर ट्रेम्स, ये आपका हो गया गलत, सॉरी सही हो गया। सम रोप्स आर रॉक, रोप्स और रॉक कोई रिलेट नहीं है इसलिए रॉन्ग होगा। सम ट्रैम्स आर रॉक, ट्रैम्स और रॉक यानी कि ये आपका मैच कर रहा है, सही हो जाएगा।
फिर बोला गया सम पोल्स आर रॉक्स, पोल्स ये है और रॉक्स ये है, नहीं रिलेट हो रहा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी फर्स्ट एंड थर्ड केबल फॉलो कर रहे हैं, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, जितने लोग भी सही आंसर्स लगा रहे हैं वो अपने लिए क्लैपिंग करते जाएं। जिनके सभी यानी कि इसमें सीरीज में मैंने 15 क्वेश्चंस दिए हैं, 15 में से 15 क्वेश्चंस के आंसर जितने लोगों के भी सही होंगे, वो लोग ये मान लें कि आप लोग स्लॉगिज में कहीं ना कहीं बेटर हैं। आप लोग को स्लॉगिज में केवल प्रैक्टिस करनी है और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इम्प्रूवमेंट और भी कर पाओगे, यानी एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल डेक्स आर मिरर, बनाते हैं फिर से हम लोग, ऑल डेक्स आर मिरर। फिर क्या कह रहे हैं, ऑल मिरर आर स्पून, ऑल मिरर आर स्पून, सम स्पून आर डॉग्स, सम स्पून आर डॉग्स। फिर क्या कह रहे हैं आप, देखो ध्यान रखिएगा, ये डेस्क है और ये डॉग्स है। क्या कह रहे हैं, सम डॉग्स आर चेयर, सम डॉग्स आर चेयर। क्लियर? तो सम डॉग्स आर मिरर। अब देखो कंक्लूजन देखना है हमें जल्दी से, बस इमेज बनाई, इमेज बनाने के बाद कंक्लूजन चेक करो कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को टिक कर पाओगे। तो सम डॉग्स आर मिरर सही है क्या? तो सम डॉग्स ये है, मिरर ये है, रिलेशन नहीं है तो नॉट फॉलो। सम स्पून आर डेस्क, स्पून ये है, डॉग्स ये, सॉरी डेस्क पूछा गया ये है, तो भाई स्पून का कुछ पार्ट तो डेस्क है ना, तो डेट इज राइट। सम डॉग्स आर डेस्क, तो डॉग ये है, डेस्क ये है, आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो डेट इज रॉन्ग। ठीक है, सम चेयर आर स्पून, सम चेयर आर स्पून, अब स्पून का कुछ पार्ट चेयर है क्या, तो आपस में रिलेट ही नहीं दोनों सर्किल, और जब रिलेट नहीं तो डेट इज नॉट फॉलो, यानी ओनली सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है, और ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। बस ऐसे ही देखते जाना है और ऐसे ही इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आसानी से अपने आंसर को टिक कर पाओगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सम होम आर फॉरेस्ट, सम होम आर फॉरेस्ट, सम होम आर फॉरेस्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री। फिर बोल रहे हैं सम ट्री आर हिल, सम ट्री आर हिल। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल हिल आर बसेस, ऑल हिल आर बसेस, तो ऑल हिल आर बसेस। बस ऐसे ही देखते जाना है, इमेज बनाते जाना है, सम ऑल, लेकिन आपका बस इसी में कंफ्यूजन नहीं होना है और सही रिलेशन चेक करना है। सम बसेस आर ट्री, देखिएगा बसेस कहाँ है, ये ट्री कहाँ है, ये सम में क्या है, सही होगा। सम ट्री आर होम्स, तो सम ट्री, ट्री कहाँ है, ये होम्स कहाँ है, ये सम में रिलेशन सही होगा। सम हिल आर होम्स, अब हिल कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा हिल और होम दोनों एच लिखा है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने नहीं यहाँ पे लिखा, तो पहला वाला होम यानी ये होम होगा और ये हिल होगा। क्लियर? तो सम होम्स आर हिल, क्या बोला जा रहा है, सम हिल आर होम, हिल और होम के बीच कोई रिलेशन नहीं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना? अच्छा, इस बारे सेकेंड वाले को देख लो एक बार, होम्स ये है और सम होम, सम ट्री आर होम है, सही था। ठीक है, इसे सम बसेज आर फॉरेस्ट, सम बसेज आर फॉरेस्ट, कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, सम डेस्क आर रिवर, सम डेस्क आर, सॉरी सम लेक्स आर रिवर, सम रिवर आर माउंटेन, सम माउंटेन आर बैग्स, सम बैग्स आर पेपर। बन गया सर्किल, ऑल सम से है तो एक साथ लाइन बनती चली गई। सम बैग आर रिवर, सम बैग आर रिवर रॉन्ग हो गया। सम पेपर आर लेक, सम पेपर आर लेक रॉन्ग हो गया। सम माउंटेन आर लेक्स, सम माउंटेन आर लेक्स, ये भी गलत हो गया। नो पेपर इज लेक, नो पेपर इज लेक, तो पेपर कहाँ है ये, लेक कहाँ है ये। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी वैसे तो गलत होगा, ये भी वैसे क्या होगा, गलत होगा,
लेकिन यहाँ इसने पेपर और लेग के बीच ही रिलेशन पूछा है, किसका, एक बार सम का रिलेशन पूछा है, एक बार नो का रिलेशन पूछा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ में देखिएगा, पेपर और लेग के बीच रिलेशन पूछा है ना कि सम पेपर आर लेग, तो आपने इसे भी गलत कहा। नो पेपर आर इज अ लेग, आपने इसे भी गलत कह रहे हो। भाई रियलिटी दोनों अलग अलग पूछे जाएंगे तो गलत हैं, लेकिन जब दोनों बात आपसे एक साथ पूछी जाए, भाई दो व्यक्ति मान लीजिएगा बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे से बात भले ही ना कर रहे हो लेकिन बैठे हैं, तो वो या तो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी ना, दोनों बात को तो गलत नहीं कह सकते हो। तो वही बात यहाँ पर है कि आपसे वो दोनों चीजें एक साथ जब पूछता है तो ध्यान रखना है दोनों में से कोई एक बात सही होगी, लेकिन कौन सी सही होगी ये आपको नहीं पता, कौन सी सही होगी ये आपको नहीं पता, इसलिए आप क्या बोलोगे, आइदर सेकेंड और फोर्थ आर फॉलो। तो ये क्या बोलोगे, बी नंबर ऑप्शन दे रखा, ओनली आइदर सेकेंड और फोर्थ आर फॉलो, यानी या तो सेकेंड वाला या फोर्थ वाला, दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, कौन सा ये नहीं पता, ठीक है ना। दोनों एक साथ अगर पूछी जा रही है सम और नो का रिलेशन, और दोनों के दोनों सर्किल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो आप दोनों में से आइदर का केस बना दोगे कि आइदर फर्स्ट आइदर सेकेंड और फोर्थ, कोई एक तो आपको फॉलो करेगा ही करेगा। क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाँ एक बार यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, जरूर इस चीज़ को देखना, आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और वहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे कि आइदर का केस कैसे बनता है, ठीक है। अभी यहाँ क्या कह रहा है, सम टाइगर आर हॉर्सेस, सम टाइगर आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर गॉड्स, ऑल हॉर्सेस आर गॉड्स, ऑल गॉड्स आर डियर्स, ऑल गॉड्स आर डियर्स, सम डियर्स आर कैट, सम डियर आर कैट। अब क्या बोला है, सम कैट आर टाइगर, सम कैट आर टाइगर, कैसे आप सही कहोगे, नहीं भाई, तो भाई हमने भी गलत कर दिया। सम डियर्स आर हॉर्स, सम डियर आर हॉर्स, डियर का कुछ पार्ट तो हॉर्स है ना, तो ये सही हो जाएगा। सम गॉड्स आर टाइगर, गॉड्स का कुछ पार्ट टाइगर है भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। सम कैट्स आर हॉर्स, कैट कहाँ है ये, हॉर्स कहाँ है ये, आपस में रिलेट नहीं, तो केवल क्या हुआ, सेकेंड और थर्ड फॉलो किए, और ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। जितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं उनके लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का स्लॉगिस में एक कमांड है, बाकी प्रैक्टिस रेगुलर करना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जितने लोगों की गलतियाँ हो रही हैं उन्हें अभी और भी सीखना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली आपको स्लॉगिस के ऐसे ही 15 और 20 क्वेश्चंस की सीट मिलेगी, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा हम वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज आपको सीखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।